तो हेलो सर्वाइवर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको प्रॉब्लम आती है रूम बनाने के वक्त, योर मैसेज कंटेन्स फॉरबिडन वर्ड, दो मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाता हूँ गाइस कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो क्रिएट करने के बाद आप जब मतलब कुछ भी क्लास खोल या कुछ रख लेते तो गाइस आपको ये वाले मतलब योर मैसेज कंटेन्स वर्ड्स दैट आर फॉरबिडन, ये वाला एरर आपको आता है। तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस 100% रियल रखे गाइस। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन रहता है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए गाइस बिना टाइम किए जाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जो नया इवेंट आया है फ्री फायर में लेवल अप शॉप, अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है गाइस, बहुत सारे मतलब बंदों को क्या प्रॉब्लम आती थी गाइस जो मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, होने दीजिए इसको अपलोड। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मतलब तीन खान है, 1, 2 और 3, किसी किसी को पहला लोड होता है, दूसरा नहीं, दूसरा लोड होता है, तीसरा नहीं। जब दूसरे पे पहुंच जाते तब क्वेश्चन मार्क दिखता है, और जब मतलब तीसरे पे पहुंचे तब क्वेश्चन मार्क वो दिखता है। मतलब ये गाइस आपको क्या हो जाता है गाइस, तो गाइस ये मतलब सर्वर डाउन हो चुका है, मतलब जो इंडिया का है फ्री फायर इंडिया, उनका सर्वर डाउन हो चुका है। क्योंकि गाइस उनको मैंने पहले भी आपको बोला है सर्वर डाउन की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे इवेंट जब आ जाते हैं उनको हैंडल करना मतलब बीच में मुश्किल हो जाता है। तो गाइस मतलब जो सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली डाउन होता है, बीच में काम करना छोड़ लेता है, इसलिए आपको ये मतलब नहीं होता है गाइस। आप मतलब ये नहीं मानिएगा कि आपको नहीं आएगा, आपको ज़रूर आएगा। इसकी इवेंट ड्यूरेशन क्या है गाइस, इसकी इवेंट ड्यूरेशन शायद 30 तक है गाइस। हाँ गाइस 30 तक है, आप देख सकते हैं 30 जुलाई तक इसकी ड्यूरेशन है। तो गाइस आपको तब तक हो जाएगा, ही हो जाएगा, किसी दिन आएगा ही आएगा। आप डायमंड्स अगर बचा के रखे आप उनको ज़ाया नहीं कीजिएगा, आपको मतलब 2-3 दिन में ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो गाइस चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप उस वाली प्रॉब्लम को कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं गाइस। तो गाइस पहले मैं आपको और वो प्रॉब्लम दिखा दूंगा, आप बाद में बोलेंगे कि तूने कट किया, वो क्या ये किया, पता नहीं क्या किया। तो गाइस देख सकते हैं आप क्लैश स्क्वाड मैंने लगा दिया। तो गाइस जब मैं यहाँ पे कंफर्म कर रहा हूँ तो गाइस यहाँ दिखा रहा है योर मैसेज कंटेन्स वर्ड्स दैट आर फॉरबिडन। तो गाइस इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो पहले मैं आपको दिखाऊँगा गाइस। तो गाइस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कस्टम में जाना पड़ेगा। कस्टम में जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको मतलब यहाँ देख सकते हैं आप गाइस अल्फाजुकती। तो गाइस इधर आपको क्या कर लेना है, जो आपका नाम होगा वो अगर इधर आता होगा तो गाइस आपको कुछ और नाम रख देना है। जैसे मैं रखूँगा गाइस 4 ऐसे कुछ नाम रख देना है गाइस। और पासवर्ड आपको क्या रख लेना है गाइस, आपको मतलब कुछ भी पासवर्ड रख लेना है गाइस। जैसे मैं रखूँगा 0110 0110। तो गाइस अगर आप मोर क्लैश कोड रखेंगे तो ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको क्या कर लेना है गाइस, सीधे कंफर्म पे स्टार्ट करके कंफर्म कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं मतलब आ चुका है मेरा, हो चुका है, रूम बन चुका है गाइस। तो गाइस ये किस वजह से हो रही थी प्रॉब्लम, मैं जो नाम नहीं रख रहा था उसकी वजह से। तो गाइस अगर आपका मतलब नाम डिज़ाइन में है तो गाइस आपको मतलब ये प्रॉब्लम ज़रूर आती होगी। तो गाइस इसको आप क्या कीजिएगा, उसकी जगह आप कोई और कुछ नाम रख दीजिएगा, जैसे मतलब अपना ही नाम रख दीजिएगा या 4 vs 4 कुछ भी नाम रख के मतलब आप चेंज कर दीजिएगा, वैसा आपका रूम बन जाएगा, वरना आपका रूम नहीं बन जाएगा। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आएगी प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।